दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल 50 कुंटल मावे को खाद्य विभाग और पुलिस ने मुरादनगर थाने के निकट पकड़ा था, जिसको नष्ट कराने की बात खाद्य विभाग सुरक्षा अधिकारी नरेश झा ने कही थी और इसको दबाया भी गया था। लेकिन कल मौके पर जब यह गड्ढे में खोदकर दबाया गया था, मीडिया वालों को उससे दूरी बनाई गई थी। किसी मीडिया वाले को बुलाया नहीं गया था कि हम गड्ढे को किस तरह दबा रहे हैं, खोद रहे हैं, इसमें मावे को दबा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आज हमें सूत्रों से पता लगा कि वह जहाँ गड्ढा खोदकर मावे को दबाया गया था, वह मावा चोरी हो गया है। आज हम उसको देखने के लिए आए कि प्रशासन ने किस तरह से गड्ढा खोदा था और कैसे मावे को दबाया था और वो कैसे चोरी हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो गड्ढा खोदने की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है देखने से कि गड्ढा ऐसे ही खुदा पड़ा है, गड्ढे को मावा डालकर दबाया नहीं गया। अब वो क्या रहा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमने गड्ढे में देखा है तो मावा भी हमें कहीं 50 कुंटल नज़र नहीं आ रहा है। खाली गड्ढा हमको दिखाई दे रहा है, 50 कुंटल मावे के कई साक्ष्य नज़र नहीं आ रहे कि 50 कुंटल मावा दबा होगा। अब आप देखिए, मिट्टी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि गड्ढा खोदा और उसको दबाया गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि गड्ढा दोबारा खोदा गया हो मावे को निकालने के लिए, या हो सकता है या जंगल में कुत्ते हैं, शेर है, बंदर है, बिल्ली है, कोई जानवर है, वो मावा खा गया हो, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन गड्ढा जिस तरह से खुदा हुआ है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मावे को दबाया नहीं गया है, मावे की फॉर्मेलिटी की गई है। यह इसका जवाब तो बाला अधिकारी देंगे, पुलिस विभाग देगा, जिनके सामने ये मावा दबा था। देखिए, कुछ मावा बाहर भी पड़ा है, पन्नियाँ पड़ी है मावे की, कुछ मावा इधर खराब पड़ा है। इसके विषय में पुलिस अधिकारी से बात की जाएंगी कि आपने किस तरह इसको दबा था और ये गड्ढा दोबारा कैसे खुद गया। देखिए गड्ढे को।